प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आया असद मुमताज़। नाजरीन, बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार सभी सियासी पार्टियों के मात दई छी है, मकानी चूंडन में पेरे नंबर से अचन पर सिंध में असूँ था पाया तो सिंध में हाँ मकामी चूंडू 26 जून के बजाय मुलतवी थे नजर पे अचन। पीपल्स पार्टी एम क्यू इन गाल्ते राजी आन तो पैरियां चूंडू सुधारा कजन उन चूंडू कराई वन। न सिर्फ एम क्यू एम पीपल्स पार्टी हाँ तो जी डी ए भी राजी है, बल्कि जी डी ए पी टी आई एम क्यू एम ही जै मकानी एक्ट के तहत चूंडू थियन पैं उन पेरे ढी का मुखालफत में हुई है। उन्होंने एक जॉइंट एक्शन भी ठाया उन असा डिठो तो एहतजाज भी थिया। इन वक्त सब पार्टी इन गाल मुतफिक आन, पीपल्स पार्टी दावा है सब पार्टी इन गाल मुतफिक आन पे सुधारा आणजन चूंडू कराई वन। हाँ कई पीपल्स पार्टी सुधारा आणे थी पई, ये सुधारा कड़ा हूँ इन में तजवीजू कड़ी आन ही के सुधारा एक्ट सुधारण का पोए का चूंडू थियन थी पैं या वरी मकानी चूंड में एक सुधार आंदा पे वन। उन में सिंधी मानन जो स्टैक कड़ो हों अगर प्रोग्राम में इनते गलाइंदी उन प्रोग्राम में जॉइन किया है सरदार रहीम साहब पान जी डी ए जहाँ मर्कजी अगवाण हैं उनको असेंगे जॉइन कह इमदाद पिताफी साहब आई उसामा कादरी साहब। सरदार रहीम साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि अब जो पीपल्स पार्टी और एम क्यू एम एक तो ये कह रही है कि तमाम पार्टियाँ इस बात पर रजामंद हैं कि पहले कानून साजी की जाए और बाद में इंतखाबात किए जाएँ, एक तो आपको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है और ये जो अब जो कानून साजी हो रही है जो जो वो तरामीम करना चाहते हैं, तो आपकी तजावीज़ क्या हैं, क्या आपकी तजावीज़ को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है? या सरदार साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा असा राबतो करण की कोशिश पा क्यों तो जी सरदार साहब से असो राबो तो उनका ज़रूर मालूम कंदी तो जी डी ए पे ढी का न सिर्फ इन कानून साजी जै कानून साजी तहत ही चूंडू थियण वारू आन उनकी मुखालफत पे कर पर जी डी ए की खुद एक पिटिशन कोर्ट में पिणा है जैमें उनको यो मौकफ़ है तो सुप्रीम कोर्ट जहा वाज़े हुक्म आन तो पैरियां अवा के कानून साजी उन चूंडू कराया। जी डी ए इन हवा से इलेक्शन कमीशन के पिण दरख्वास्त दिनी हुई तो हे के चूंडू थियन पैं इन मुलतवी कराया वे नए सिर कानून साजी कराई वे उन चूंडू कराई वन। हाँ ऐसो है तो 26 जून से सिंध में मकानी चूंड जो पर्यों फेज है जैमें खैरपुर नवाबशाह लाड़काणो सखर घोटकी इन जिले में चूंडू थियण वारू आन, जैकबाद में चूंडू थियण वारू आन। तो पेरे फेज में जैसे चूंडू हाँ 26 जून से थियण वारू आन उन हालतों में एकड़ो महीनों अग में जैसे ही चूंडू मुलतवी करण की गाल कई पे वे एम क्यू में पीपल्स पार्टी चवन थी तो बी पार्टी असा इन गाल राजी आन तो कड़े बुनियाद से राजी आन इन असो राबो बहाल थो। सरदार साहब आप मुझे सुन पा रहे? जी मुझे आ रही है बात। अच्छा सरदार साहब अब तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने ये फैसला किया है कि इंतखाबात से पहले कानून साजी की जाए, तो आप इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पहले कानून साजी की जाए और बाद में इंतखाबात होने चाहिए? जी रिट साहब, हम यही बात लेकर हाईकोर्ट गए थे, हमने पिटिशन डाली थी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आप कानून साजी करें जी। जो मौजूदा कानून है उनकी कुछ शिकें जो है मुतसादिम है आईन के साथ, लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमारी जो पिटिशन है जी वो हाई में रद्द हो गई थी जी। लेकिन हमें पूरा इंसाफ का यकीन था और हमने ये सोचा था अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जी। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई है इस कानून साजी के लिए वो हुकूमत के अरकान उसमें ज्यादा हैं जी। और वो स्टैंडिंग कमेटी का मौकफ ये है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए बलियाती ताकि कानून साजी हो जाए फिर जो है वो इलेक्शंस कराए जाएं। इस बात में बहुत वजन है क्योंकि इस पर जो कि कैंडिडेट्स जो भी मुंतखब होंगे उनको पता ही नहीं उनके अख्तियार क्यों क्या हैं, क्योंकि मौजूदा कानून में बलदियाती निज़ाम को बेअख्तियार कर दिया गया है, तमाम अख्तियार जो है वो सिंध हुकूमत के पास हैं जी। तो लिहाजा जो इलेक्ट होके आएंगे अगर उनको अपने अख्तियार ही का नहीं पता तो ये लोगों के साथ क्या वादा करेंगे या क्या बता सकेंगे कि हम क्या रिलीफ दे सकते हैं अवाम को अपने वोटर्स को। तो लिहाजा ये बेहतर है कि कानून साजी की जाए कानून को। सरदार साहब अगर सरदार साहब कतई कलामी माफ, अगर मैं आपसे मोटा मोटा जानना चाहूं कि आपको किन किन शिकों पे अब जिस कानून साजी अब जिस एक्ट के तहत ये कानून ये इलेक्शन हो रहे थे तो आपको किस किस एक्ट पे एतराज़ आते हैं और अब आपकी क्या तजावीज़ है उसमें क्या तरामीम की जाए? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 70 सेक्शन 74-75 जी इस गवर्नमेंट एक्ट का 2013 का जी वो को स्ट्राइक ऑफ किया जाए क्योंकि वो आर्टिकल आईन का आर्टिकल जो है
वो उसके मुतसादिम है जी। 148 कहता है कि फाइनेंशियल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इख्तियारात होने चाहिए बल्दियाती निज़ाम में जी। तो ये कानून जो बनाए गए थे बहुत सारे कोई ज़्यादा वो तमाम इख्तियारात ले लिए गए थे जी। फिर उसमें इस तरह की शिकें भी हैं कि एक सेक्शन ऑफिसर सिंध गवर्नमेंट का अगर कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो इलेक्टेड काउंसिल जो है चाहे वो कराची की काउंसिल हो मेयर के नीचे या वो थरपारकर की काउंसिल हो जी, वो तमाम काउंसिल जो हैं पाबंद हो जाएंगी कि उस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक नोटिफिकेशन निकालें और उसको फॉलो करें जी। इसका मतलब है कि वो बेख्तियार इदारे हो गए जो काउंसिल्स हैं जो कि लोगों ने अलेक्ट किए हैं और एक सेक्शन ऑफिसर का नोटिफिकेशन जो है वो उन पर भारी हो तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी थी तो लिहाजा जी ये बेख्तियार इदारों के लिए इलेक्शन कराना जी मैं समझता हूँ। अरे सरदार साहब अब जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें या तो ये था कि यूसीसी टाउन कमेटीज़ थी और ज़िला कौंसिल थी तो आपका ये भी एक मौकफ है कि तालका कौंसिल जो है उसको भी बहाल किया जाए क्योंकि तालका कौंसिल एक अहम जगह है वहाँ से अब जो मेहर में ये वाक़या हुआ कि वहाँ फायर ब्रिगेड का मामला था और वहाँ पे तालका कौंसिल नहीं था तो आप चाहते हैं कि तालका कौंसिल भी बहाल हो। जी हाँ जैसे अभी बड़े शहरों में तो जो है वो सिटी काउंसिल है कॉरपोरेशन की काउंसिल है और बीच में वो टाउन कमेटीज हैं जी ठीक है और जो है यूनियन काउंसिल्स हैं लेकिन बराड़ी में बहुत सारे से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तालिका काउंसिल नहीं है जी। तो फिर बीच कुछ भी नहीं है यानी कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और नीचे जो है ये यूसी है जी। अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं अवाम को रिलीफ देने के जो कि यूसी नहीं कर सकता उनके बस की बात नहीं होती जी। तो और डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है तो डिस्ट्रिक्ट तक जाने जाने में जो है बहुत वक्त भी लग जाता है तो बीच में अगर तालुका काउंसिल होगी तो वो काम कर सकेगी जैसे हम मिसाल देते हैं कि मेहड़ में अभी आग लगी गांव में और इतने वो अमवात हुई और फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद नहीं थी तो फायर ब्रिगेड जो है ये बल्दियाती काम है बल्दियाती इदारे के जेर असर है तो अगर तालुका काउंसिल होती तो वो फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम रखती और फिर लोगों की जानें बचाई जा सकती थी तो इस तरह से बहुत सारे और से काम होते हैं जो कि यूसी से बड़े होते हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कम होते हैं जी। तो बीच का जो है वो अगर फोरम होगा तो लोगों को रिलीफ मिल सकेगा ये हमारा मौका है। अरे तो सदर साहब आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस तमाम तर बातों पे आपकी तजावीज़ पे राजी हो जाएगी या फिर पीपल्स पार्टी ने मुतहदा के साथ एक मुहिदा किया है ये तमाम तर मुलतवी और तजावीज और फिर दीगर कानून साजी उस मुहिदे का हिस्सा है जी। नहीं मेरे ख्याल कोई मुहिदा तो उनके लिए मुसीबत है असल में हमारा ये भी ख्याल है सियासी ख्याल जो हमारा है जी कि जो एम क्यू के साथ इन्होंने मुहिदा किया है वो अगर उस पर अमल करते हैं तब भी इनको जो है वो अवाम जो है वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जी मतलब बुरा भला अनपॉपुलर होगा जी क्योंकि उन्होंने तो बंटवारे की बात की है उस माहदे में जी ठीक है तो मतलब बेटो निज़ाम को एक दूसरे तरीके से लाने की कोशिश बात की है जी। तो अगर उसमें हम तो जाहिर है सिंध का अवाम इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और अगर अवाम अगर अमल नहीं करते तो एम क्यू एम जो है इनके हाथ से निकल जाएगी और एम क्यू एम निकल गई तो फिर इनकी जो वफाकी हुकूमत है वो भी धड़ाम से गिर जाएगी तो एक बड़ी मुश्किल में है और ये बल्दियाती इलेक्शंस इसी वजह से भी शायद इनकी सोच है कि इसको पोस्टपोन करें लेकिन जो भी वजह हो हम समझते हैं कि ये सही सिम्स में एक फैसला है और इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लिखें इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन पोस्टपोन करें। तो सदर साहब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत मुश्किल में है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पहला फेज़ हो रहा है बकानी इलेक्शन का उसमें तो पीपल्स पार्टी को इतनी बड़ी अपोजिशन भी कोई हमें नज़र नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी को कि कोई इक्का दुक्का जगह को छोड़ के कोई कहीं को टफ टाइम हो मिसाल खैरपुर को छोड़ के सांगड़ को छोड़ नहीं, के नहीं, बाकी जगह पे कोई जी 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 सर नहीं है जी। पीपल्स पार्टी की मुश्किलात हैं और पीपल्स पार्टी को बड़ी टफ अपोजिशन जीडीए की तरफ से है। पीपल्स पार्टी की एक मुश्किल ये भी है
कि इनके 8-10 उम्मीदवार हैं एक ही तक के लिए जी, एक ही पोजीशन के लिए। जाहिर है टिकट एक आदमी को मिलेगा, बाकी 7 जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, 3 उसमें से वो कहते हैं चलो पार्टी का फैसला है, बाकी 4 जो है वो पार्टी छोड़ के GTA में शामिल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं जिनको पीपल्स पार्टी ये संभाल नहीं पा रही है, तो इस वजह से भी इनके मफाद में नहीं है। और यही वजह है कि ये बड़ी पार्टियां जो हैं ये बलदियाती इलेक्शंस नहीं कराना चाहती, बलदियाती निज़ाम नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये तमाम अपने इख्तियार जो हैं वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और इन्होंने 3.5 साल मज़े कर लिए, बल्कि काफ़ी इन्होंने मज़े कर लिए बलदियाती जो इख्तियार हैं अपने पास रख कर। जी अब एक सोच आ गई है और आवाम का मुतालबा है कि बलदियाती बाख्तियार बलदियाती इदारे होने चाहिए और लोगों को रिलीफ जो है ग्राउंड ग्रास रूट लेवल। तो सदर साहब आप नहीं समझते कि आपका अब ये तो फिर ये मसला तो फिर आपके साथ भी है ना, कि अगर इस वक्त इलेक्शंस होती हैं तो फिर आप समझते हैं कि जो जिस कानून के तहत इलेक्शन हो रही हैं वो मुनासिब नहीं है, अगर मुलतवी हो जाती हैं तो फिर जो आप जो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी मुश्किलात में है, तो फिर उसकी मुश्किलात तो आप आसान कर रहे हैं। देखें जब अगर कानून जो है उसकी दुरुस्ती नहीं होगी तो फिर कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन होगा तो बलदियाती निज़ाम जो है वो काम नहीं कर पाएगा, और जब अगर बलदियाती निज़ाम काम नहीं कर पाएगा, हमारे लोग अगर इलेक्ट होके आए भी मेजॉरिटी में तो फिर वो परेशान और आवाम जो है उनको रिलीफ नहीं मिल सकेगा। हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को रिलीफ उसी वक्त मिल सकेगा जब ये बलदियाती जो निज़ाम है बाख्तियार होना चाहिए। हम नहीं कहते कि इसको पोस्टपोन कर दें, आप इलेक्शन ना करवाएं, हम ये कहते हैं कानून पहले सही करें उसके बाद फिर आप इलेक्शन छोड़ से कराएं। आप 2 दिन में कानून सही कर सकते हैं तो 3रे दिन इलेक्शन करा लें, हम तैयार हैं, और अगर आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं उसके बाद फौरन इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन से जो है वो ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि हमारा तो मुतालबा है कि ये इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों को बाख्तियार इदारों के ज़रिए से रिलीफ मिल सके। अरे तो सरदार साहब अब पहला फेज़ 26 जून को इलेक्शंस होने वाले हैं, फॉर्म जमा हो चुके हैं, जो टिकट्स हैं वो एलोकेट हो चुके हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त इंतखाबात को मुलतवी कराना, आप समझ रहे हैं कि इदारे कोर्ट या इलेक्शन कमीशन राज़ी हो पाएंगी? नहीं नहीं, राज़ी तो होना पड़ेगा ना। देखें असल में इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए, उसमें भी एक सुकुम था, जो कानून ये कहता है आपका कि पहले हुकूमत इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है शेड्यूल अनाउंस करेगा जी। तो शेड्यूल अनाउंस होने से 1 हफ्ता पहले पीपल्स पार्टी ने ये बात अखबारों में भी आई है, मीडिया में आई है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, जो है इलेक्शन फिलहाल नहीं हो सकते। तो लेकिन 1 हफ्ते बाद इलेक्शन कमीशन ने बगैर डेट गवर्नमेंट के अनाउंस किए हुए शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, ये भी के खिलाफ वर्जी थी, लेकिन ये भी हमारी पटिशन का हिस्सा था। लेकिन दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसलिए इलेक्शन को कबूल किया क्योंकि वो समझते थे कि ये अभी वफाकी हुकूमत हटी है, नई वफाकी हुकूमत हमारी बन गई है जी। किसी हबड़दम में हम इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे कन्फ्यूजन में, और फिर हम कहेंगे सिंध का आवाम तो हमारे साथ है। तो लेकिन हुआ ये कि उनको मसाइल हो गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसकी वजह से जो लोगों को ये सोच मिली कि इस इलेक्शन के खिलाफ जो है वो खड़े और पिटिशन डालें। हम जैसे अगर हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। ठीक है सदर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, हम इस पर और मज़ीद तफसीली बात करेंगे। एक तो ये भी मौकफ़ आ रहा है क्योंकि कल जो बलूचिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने जीता है, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी को एक डर ये भी है कि अगर वो जो बागी ग्रुप है जो हर वार्ड पर हमें नज़र आ रहा है जिसको टिकट नहीं मिल रही वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है, तो एक मसला ये भी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में
आज़ाद हैसियत से लोग जीत के आएंगे, उम्मीदवार जीत के आएंगे, तो फिर जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा एक बहुत टफ टाइम इंटरनल पार्टी की सूरत में भी मिल सकता है। और दूसरी बात ये कि जो मुआहदा हुआ है एमकेएम के साथ, उसके साथ लाजमी था कि ये कानून साजी की जाए, तो इस पर सिंध के आवाम को क्या मिलेगा? हम पीपल्स पार्टी का भी मौकफ लेंगे, एमकेएम का भी मौकफ लेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। नज़री प्रोग्राम में एक दफ़ो भी अवे भलीकार वक्फे का अगर ऐसा गला रहा तो सिंध में मकामी चूंडू जो पहले फेज में 26 जून से थियण वाली हाँ उन मुलतवी थियण जहा इम्कान है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जीडीए इन गाल से राजी है तो पैर कानून साजी कई वे कानून साजी का ही चूंडू कई वन। पीपल्स पार्टी पहले ढी का यो मौक़ अख्तियार पे करें तो ये कोई एक्ट है जै एक्ट से ही मकानी चूंडू थियण वाली इो ही बेहतरीन एक्ट है इन एक्ट से चूंडू थन्दूँ। असा डिठोसी तो सिंध असेंबली में गडियल अपोजिशन जुड़ी जॉइंट अपोजिशन कराची प्रेस क्लब सामू तमाम वो एहतजाज किया एक तमाम वो एहतजाज असा जमात इस्लामी तरफा भी नजर आयो जो सिंध असेंबली की बिल्डिंग के बाहर एहतजाज थो केतरा ही ढीह एहतजाज रो पर पीपल्स पार्टी पैंजी उन पहरें मौकफ से कायम हुई तो कें भी सूरत में जी तजवीज़ू अस ये कानून साजी कई है जो एक्ट है इन तहत इन एक्ट तहत ही चूंडू थन्दूँ। चूंडू जो अनाउंस भी थी वो पहरें फेज जो 26 जून तूंडू 26 जून से चूंडू कराने जो ऐलान भी थो। हिंसर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ए बी पार्टी राजी थी तो फिलहाल चूंडू मुलतवी कई वन पे कानून साजी कई वे बाद में चूंडू कई वन तो इन असं तफसीली गल सरदार रहीम साहब असा सा गए। सरदार साहब क्या आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी एक तो आप जो तजावीज़ दे रहे हैं और दीगर पार्टियों ने भी तजावीज़ देनी है और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं उसके तहत कानून साजी हो रही, आप नहीं समझते कि जो अब तक जो हमने देखा है पहले फेज़ में पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी बहुत बड़ी बगावत हमें नज़र आ रही है कि वार्ड सतह पर जिस बंदे को जिस पीपल्स पार्टी के कारकुन को टिकट नहीं मिल रहा वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहा है और फिर कल जो बलूचिस्तान में हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए, तो एक खौफ पीपल्स पार्टी को ये भी है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है? जी मुझे नहीं पता कि ये उनकी सोच है या नहीं है, लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है तो वो उसके अपने अपने अलग हालात हैं। अगर वहाँ जी डी ए होती तो जी डी ए के ज़्यादा मेम्बर्स आते, लेकिन चूंकि देखें इससे जाहिर ही होता है जो सियासी जमातें हैं उन पर लोगों का एतमाद ख़त्म होता चला जा रहा है क्योंकि वो अवाम की खिदमत की से ज़्यादा वो अपना उन्होंने सर्कस मचाया हुआ है, तमाशा कर रहे हैं, तो लोग जो हैं वो उनसे बदल हो रहे हैं, वही उन्हीं जमातों को जी डी ए जैसी जमातों को वो वोट देंगे जिन पर कोई दाग नहीं है, जिनके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है, जो कि लोगों के नज़दीक कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का सिंध में ये अलमिया है कि उनके सबको तो वो सीटें नहीं दे सकते, टिकट नहीं दे सकते, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है जैसे मैंने पहले भी कहा वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के या तो आज़ाद लड़ रहे हैं या वो जी डी ए में शामिल हो रहे हैं, तो फिर पार्टी को तो नुकसान पहुँचेगा इस इलेक्शन के जरिए से। और दूसरा ये कि कोई गारंटी नहीं है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर जो हैं, एक ज़माने में होता था कि पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम कोई खंभा भी खड़ा करते तो वो जीतती थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं और इस वजह से बदले हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। आप देखें ना सिंध में जो हालात हैं इस वक्त, पानी की जो सूरत हाल है, विफाक में भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे और यहाँ सिंध में जो उनकी हुकूमत 14 साल से, लेकिन सिंध में पानी पीने को अब नहीं मिल रहा, जानवर मर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इसके लिए, सिंध के अवाम के लिए? ठीक है, हमारी एक वजीर होती थी तो ये बड़े शोर मचाते थे, हमारे 3 मेंबर है नेशनल असेंबली में, ये शोर हम पे करते थे कि जनाब आप सिंध के मफादात का ये बात नहीं कर रहे हैं असेंबली, भाई तुम्हारे अभी 7 वफाकी वजीर हैं, तुम्हारा हुकूमत है तो तुमसे कौन पूछेगा, पीपल्स पार्टी से कौन पूछेगा कि भाई ये सिंध में पानी क्यों नहीं आ रहा, सिंध में वीट की शॉर्टेज क्यों है, सिंध में जो है ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, सिंध के हुकूमत ने और नुमाइंदों ने क्यों नहीं वफाकी हुकूमत को रोका कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाए, 30 रुपए पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसी बात नहीं हुई थी। जी बिल्कुल, ये सरदार साहब आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सरदार साहब आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सिंध के मसाइल हैं, जो अब तक जो गवर्नेंस रही है वो किसी भी तौर पर परफेक्ट नहीं रही, वो किसी भी तौर पर आइडियल नहीं रही, लेकिन क्या बात है जी लेकिन सरदार साहब आप नहीं समझते कि किन हलकों में जीडीए खुद इतिहाद कर रही है पीपल्स पार्टी से, तो इसके बावजूद जीडीए इतिहाद क्यों करने जा रही है? सर नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ हम इतिहाद नहीं कर रहे हैं, हम जो उन मेंबर्स के साथ इतिहाद कर रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि नरम है और ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है,
देखें मकामी जो इलेक्शंस कहते ही मकामी इलेक्शंस हैं क्योंकि वो मकामी हालात की वजह से होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग की बुनियाद पे अगर किसी से अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें ये जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन हम जो है वो इत्तेहाद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जैसे लड़काना में है, गंबर शहजाद कोर्ट में हो गया है, गोठी में हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है मकामी इत्तेहाद बनाएं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और ये कामयाब एक फार्मूला है, जैसे लाड़गाना में आपने देखा कि नेशनल इलेक्शन में भी और उसके बाद बाई इलेक्शन में भी मौज़म अली अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को हराया, ठीक है। ये कहते हैं जो बाई इलेक्शन होते हैं वो ज़मीनी इंतखाबात वो गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट की मर्ज़ी से उसके नतज निकलते हैं, लेकिन जी डी ए ने मौज़म अली अब्बासी साहब ने हराया पीपल्स पार्टी को और राहुल भुट्टो साहब तकरीबन हार चुके थे वहाँ पर। तो ये मकामी इत्तेहाद का असर था और इसी को हम पूरे सिंध में इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हमारे इत्तेहाद बन जाए तमाम डिस्ट्रिक्ट। सदर साहब, फिर शिकारपुर की क्या सूरत है? आपने घोटकी का जिक्र किया, लड़काना का जिक्र किया, आपने कंबर शहजाद कोर्ट का जिक्र किया, सर ये शिकारपुर में आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं सर पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे, मकामी लेवल पे हम इत्तेहाद अगर करेंगे तो करेंगे, लेकिन वो भी अभी डिपेंड करता है। और हम पीपल्स पार्टी के साथ तो जाहिर है कि कोई पार्टी के साथ तो हम इत्तेहाद नहीं कर रहे, इनफरादी अगर हमारा इत्तेहाद किसी के साथ होगा तो ज़रूर होगा। जैसे अब जैकबाद में हमने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की, उनका पीपल्स पार्टी का सुराग सरगरी साहब के बेटे अनअपोज आ गए, हमने बिठा दिया, हमारे दो काउंसलर्स आ गए, तो इस तरीके से हम इत्तेहाद करेंगे कुछ लोगों की बेसिस पर, तो इंशाल्लाह ताला हमें भी फ़ायदा होगा और वो जमहूरियत पसंद लोग जो कि हमारी जैसे पार्टी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अच्छा सदर साहब, अगर इंतखाबात मुलतवी नहीं होते और 26 तारीख को ही फेज़ में इंतखाबात होते हैं और फिर बाकी जो शेड्यूल है उसमें इंतखाबात होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कितने अजला में आप जीत जाएंगे और कितने मेंबर्स आपके आदाद व शुमार मुताबिक, आपके दावे के मुताबिक कितने फीसद आप जीत? अल्लाह के फजल से अगर धांधली नहीं होती और पीपल्स पार्टी अपनी पुलिस को इस्तेमाल नहीं करती है और इलेक्शंस कुछ फेयर इलेक्शंस होते हैं इंसाफ की बुनियाद पर, तो इंशाल्लाह ताला सिंध में आप एक दूसरी सूरत हाल देखेंगे और जी डी ए के लोग ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मिसाल किस इस्लाम में आपको एज हासिल, आप कह रहे हैं कि इस जगह पे हमने पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पे बीट करनी? वीर साहब, सारी चीज़ें पूछने की नहीं होती है ना, कुछ तो रिजल्ट पे भी है। जी सर, हम आपको सरप्राइज देंगे। आप समझ रहे हैं कि सरप्राइज होगा, आपको सरप्राइज मिलेगा नहीं, आप सरप्राइज देंगे पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल सरप्राइज देंगे, पीपल्स पार्टी ने किया गया सिंध के अवाम के लिए जो कि वो रहेगी हर वक्त, ठीक है। तो सिंध के अवाम भी शऊर रखते हैं, नहीं मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शऊर सिंध का अवाम रखता है। ये सही कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं कि सिंध का जो सियासी कारकुन है, सिंध का सियासी कारकुन बाकी सूबों से और बाकी इलाकों से ज़्यादा शोर रखता है। लेकिन सदर साहब, आखिर क्या बात है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ यहाँ पे हमें कोई बहुत बड़ी तादाद में कोई बहुत एक पावरफुल इत्तेहाद बनते हुए नज़र नहीं आ रहा? NTPP वोट जो है वो अब तक डिवाइडेड है। नहीं, दुआ कीजिए कि मतलब हालात ठीक रहें, क्योंकि ये कब्रों की सियासत करते हैं, शहीदों को ले आते हैं बीच में, ठीक है, तो उसकी वजह से है, वरना कौन इनको वोट देगा? लोग जज्बाती एक लगाव रखते थे भुट्टो साहब से और बाद में भी बेनजीर साहिबा से, तो उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और जो भी उस तरीके से पार्टी पे कब्जा कर दिया। अब ये पीपल्स पार्टी नहीं है ना, ये तो जरदारी लीग है, तो जो कब्जा पर उसके लिहाज से उनको फ़ायदा उठाया वो उन सारे मामलों में, लेकिन वो कब तक उठाएंगे? आवाम जो है वो हमने NICVD जैसे इदारे दिए, हमने SIUT जैसे इदारे दिए, हमने हेल्थ में कमाल कर दिया, तो आप लोगों के पास जब जाएंगे तो आपके पास क्या होगा लोगों को बताने के लिए? हमको यही बताने के लिए होगा कि हम लोग जो है वो करप्ट नहीं है और हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं और हमने आवाम की खिदमत करने का तहिया किया हुआ है, हम सिंध के आवाम के
मफादात का तहफ़ करने वाले लोग हैं, हम बेटो निज़ाम जो है नाफिज करने इक्तदार की खातिर के ख़िलाफ़ हैं, और हम जो है लोगों की खिदमत करके इंशाल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं 14 साल इन्होंने लगाए हैं हुकूमत में, इन्होंने अभी भी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, अभी भी कुत्ते के काटे की वैक्सीन नहीं मिल रही है, अभी भी लड़काना में बच्चे एड्स ज़दा हैं, अभी भी तलपारकर में बच्चे भूख और अफलास से मर रहे हैं, अभी भी पानी सिंध का जो है वो नहीं चोरी हो रहा है, अभी भी पानी, बल्कि अब तो ये हालत हो गई है जानवर मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, वजू का पानी नहीं है, मुर्दे को नहलाने का पानी नहीं है बहुत से इलाकों में। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो रही है। ठीक है सर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुल्क के नामवर कानूनदान और साबिक एडवोकेट जनरल सिंध जमीर घुमरो साहब से, उनसे मालूम करते हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी क्यों ये इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। जमीर साहब प्रोग्राम में खुश आमदी। जमीर साहब ये बुधाए जो तो हाँ पहले फेज में 26 जून से चूंडू थियणवारियों हैं, पीपल्स पार्टी कड़े बुनियाद से कड़ी शय मद्देनजर रखे ही चूंडू मुलतवी कराना चाहे पी? छो तो सुप्रीम कोर्ट जो आर्डर आयो हो, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आयो हो लोकल गवर्नमेंट लॉ से, उनमें सोरिंग कमेटी ठाई तो असि लोकल गवर्नमेंट लॉ में चेंजेस करे तो इलेक्शन कराएंगे। शायद वह कमेटी की जो रिपोर्ट अवेटेड है, वो लॉ में रिक्वायर्ड जो अमेंडमेंट नी सी मुझे ख्याल में वो ग्राउंड ही वक्त हों जल्दी में करो उनको इलेक्शन कराएंगे। तो जमीर साहब यो तो पैरा का हो ना, जी डी ए पैरा का चवे पई तो कानून तरमीम कई वे उन बाद चूंडू कराए वन असा डिठो सिंध में जॉइंट अपोजिशन बिठी उन वक्त पीपल्स पार्टी चे पी तो ही यो को एक्ट है इन तहत फर्स्ट क्लास है इन एक्ट तहत ही इलेक्शन थी हिंसर आखिर अचानक पीपल्स पार्टी जी जमीर साहब आखिर सिर्फ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो मामलो या एम के एम से मुआदो थो है उन वो भी असर रखे तो पो ना वो एम के एम से मुआदो थो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पोच पहले तो थे ही को तो आवाज समय बाद सिर्फ जी जी जमीर साहब बाद में थे ना बाद में वो भी रीजन हों तो एग्रीमेंट वो थो पान में पोलिटिकल पार्टी जो आन प्रांचल असेंबली में उनका फौरन उन कमेटी ठाई असेंबली की असेंबली के कमेटी में सो उन सभी के गडियो हूँ तो इनमें कड़ी कड़ी चेंजेस एग्री क्यों उन उन शायद एग्री कर छोड़ा पर हाँ टाइम जो पास पीरियड जो पास थोड़ा उन्होंने करे मुझे ख्याल में मुलतवी करना एप्लीकेशन तो जमीर साहब अवे लगे तो पो तो चूंडू मुलतवी थी वेंद अगर सब पार्टी मुतफिक थी दरख्वास्त दींद तो चूंडू मुलतवी थी वेंद चूंडू मुलतवी मुझे ख्याल में जैसे सभी पार्टी एग्री कर दूँ तो हि जो असू है तो मुलतवी मुझे ख्याल में थी वेंद शायद कोर्ट जो उन्हें कंसिडर करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के घुराई जाहिर उन्होंने मौको भी बुधंदी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयारी थे तैयारी करनी होंगी इलेक्शन कमीशन की पर उनके बुधी को फैसलो कहना फैसलो तो कोर्ट के करना कड़ो करे तो अच्छा जमीर साहब एकड़ो ये सियासी असा तर्ज निगार उनको चवण यो भी है तो ये गुजरियल बलोचिस्तान जो रिजल्ट आयो है वो पिण शॉकिंग है पॉलिटिकल पार्टी जो तो आज़ाद हैसियत में अगर एडी वी आज़ाद हैसियत में सिंध में उम्मीदवार खटी था अचन तो ये सभी सियासी पार्टियों लाइ झटको हों अवे लगे तो पे तो सिंध की हालतू भी बलोचिस्तान जड़ियन न बलोचिस्तान जो हालतू जो सो बिल्कुल कदई डिफरेंट हैं सिंध जो हालतू कौन सिंध में जो सो पोलिटिकल पार्टी सब वाइब्रेंट हैं उंगा उम्मीदवार तैयारियों उनमें एतरा सिंध में आजाद उम्मीदवार को उनमें पोलिटिकल बेसिस से ही इलेक्शन बलोचिस्तान की पोजिशन डिफरेंट है उनमें कुछ पार्टी जो सो इलेक्टोरल प्रोसेस का बाहर हैं उते मिलिटेंसी भी है रीजन डिफरेंट है सिंध में अड़ी सूरत को सिंध में अवे नो लगे तो सिंध में अड़ी सूरत हाल है ना, बिल्कुल ना, अच्छा भला अवे लगे तो पो तो पीपल्स पार्टी के किथे कोई टफ टाइम है इंटरनल पार्टी का अलावा एक तो इंटरनल पार्टी टफ टाइम है तो जो टिकटू विरायजन पी जै तरीके से उनते एतराज अचन था पाया वो तो पैं जाए थे भला अवे सिंध में इन अलावा पीपल्स पार्टी के किथे टफ टाइम थी नजर अचे तो मां समझा तो पीपल्स पार्टी के ना इंटरनल इशू है ना एक्सटर्नल इशू है समझो ना सो तो अपोजिशन जो ता हाल दिसो ता सिंध में जी समझो ना जो तुम जातीदा होंद खास एनालिस्ट आ तो पीपल्स पार्टी के इंटरनल करो थ्रेट थी सके तो पार्टी तमाम जो इंटरनली फैसला कह वो मजबूत होंगी किथे किथे मसला तो वो एडा के वा को बाकी एक्सटर्नली पीपल्स पार्टी के कोई इशू को छो तो सिंध में अपोजिशन की हालत ऐसी खराब है। अच्छा सब चो पे अपोजिशन की हालत खराब है। सरदार साहब जमीर घुमरो साहब तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कहीं पे कोई टफ टाइम होता हुआ नजर नहीं आ रहा,
आप पूरी उम्मीद है कि आप जो है वो सरप्राइज देंगे पीपल्स पार्टी को? मीर गोंडलो साहब की अपनी राय हो सकती है, ये इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा कि पीपल्स पार्टी को क्या टफ टाइम मिला या नहीं मिला। अच्छा, आप तो ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, ज़मीर घुमरो साहब, बिनन मोसे मेहमान जी, मेहरबानी। हाँ नाजरीन, ॾिसणो ही है तो 26 जून से जो चूंडू रथियल उन बाबत कड़ो फैसलो किया पे वे। अगर ये चूंडू मुलतवी थियन थी पे तो उनका नतीजा कड़ा इंदा, ये चूंडू मुलतवी न थी थियन। पीपल्स पार्टी जै तरीके से पहरे फेज में जो वर्क कई है, असं ऐसा था पाया तो एक इंटरनल पीपल्स पार्टी के अपोजिशन नजर असर अचे थी पई, बज़ाहिर कोई एडो टफ टाइम नजर नो अचे। तो चूंडियों जो नतीजो कड़ो इंदो, यो तो वक्त ही बुधाई। इतने प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी तो पे। असद मुमताज़ रखी इजाज़त सदाईंगर।